हेलो जी, वी आर बैक विद अदर ब्लॉग। तो गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद कर सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ अपने प्यारे कबूतरों के पास। ये देखें, जैसे कि आप देख सकते हैं। और आप कहेंगे इतने दिनों बाद मैंने अपनी शक्ल दिखाई है। तो गाइस, मैंने आज कबूतरों के पास है, मैंने कहा चलो लोगों को भी दिखा दूँ कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। और दिखा दिया जाएगा आपको सगल, ठीक है? आप अच्छे अच्छे ब्लॉग लाएंगे। ये देखें, और अब तो रोज़े भी आने वाले हैं गाइस, इन सबका भी रोज़ा होगा, ठीक है? ये सब रोज़ा रखेंगे। और आज हम आपको दिखाएंगे स्लो मो में इनकी शॉट, ठीक है? और अजान भी हो गई। अच्छा, हमको सिखा दिया है गाइस। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनकी थोड़ी बहुत स्लो मो शॉट्स, और लेट्स गो। तो गाइस, ये देखें, ये सब बैठे हुए हैं इधर अंदर। ये देखें, ये एक नया कबूतर है जो कि हमारे पास भी ना, ये मार रहे हैं दूसरे को। ये देखें, ये भाई लड़ाई क्यों कर रहे हो? रमजान आने वाला है, तुम लड़ाई कर रहे हो भैया? आपको दिखाते हैं कुड्डे अपने। ये देखें, इधर भी एक अंडा है, अभी थोड़े दिनों पहले तो नहीं था, अब आगे देखें। और यहाँ पे भी दो अंडे थे, यहाँ पे भी नहीं था अभी अंडे। और इधर एक छोटू मोटू सा बच्चा आया हुआ है, और ये देखें भी खाली है। इधर तीन बच्चे आ गए गाइस, ये पत्नी कब आए। और ये देखें, इधर भी अंडा है, और ये भी बैठी हुई है अंडों पर। तो गाइस देखें, इधर भी अंडे हैं तीन, एक बोरा। और यहाँ पे भी है अंडे, ये रहे के। और इधर भी बैठे, तो इधर भी गाइस बच्चे हैं, ये देखें छोटा सा। और अभी एक गेरा बच्चा, ये पत्नी कब आए। और जी, आप तो आओ गोदी में हाथ में। हाँ जी, हाँ जी, कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर। तो गाइस, ये छोटू मोटू आया है। लो जी, आप जाओ दोबारा अंदर। हाँ भाई, कुछ नहीं कहता भैया। तो गाइस, देख लिया आपने अंडों की सूरत हाल, बिल्कुल सही है। और ये अंडा पता नहीं क्यों नीचे गिरा हुआ है, इसको भी देखते हैं। इसमें देखा है, पता नहीं कुछ नजर तो नहीं आ रहा मुझे। मैंने कहा चलो क्या पता दे दियो बैठ जाए अंडे पर, इसलिए मैंने इसको फेंका नहीं अंडे को। साथी, हमारी वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देगा, और हमारे चैनल मोहम्मद इश्फाक हमको सब्सक्राइब कर देगा। और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक मुझे इजाजत दीजिए गाइस, मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा।